नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैं हमेशा ही वास्तु शास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता हूँ। आज का मैंने जो टॉपिक लिया है, जो मैसेज मेरे पास यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आया है, स्नेहप्रीत सिंह जी का, वेस्ट फेसिंग प्लॉट में पानी का निकास नॉर्थ की तरफ से कर सकते हैं क्या, प्लीज़ रिप्लाई करें। स्नेहप्रीत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपने यहाँ पर जो आपकी अपनी बिल्डिंग है उसके नॉर्थ में से पानी निकाल सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से पानी बाहर निकाल सकते हैं। नॉर्थ की तरफ से ही पानी बाहर निकलना भी चाहिए, जो आपकी अपनी ड्रेनेज बने वो सारी की सारी नॉर्थ की तरफ से ही बननी चाहिए। साउथ की तरफ तो पानी का कोई काम होना ही नहीं चाहिए, ड्रेनेज कोई बननी ही नहीं चाहिए। आप भी अपनी कोई वेस्ट फेसिंग बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं या बना रहे हैं, जो ड्रेनेज बाहर निकालनी है आपने, वो नॉर्थ की तरफ से ही होकर बाहर निकले, यानी नॉर्थ के बाजू से ड्रेनेज चलेगी और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से बाहर निकलेगी। ऐसा यदि आप करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपके यहाँ हमेशा ही हर तरफ से खुशहाली बनी रहेगी। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि कोई भी मेन होल का ढक्कन टूटा हुआ क्रैक वाला नहीं होना चाहिए, चाहे वो फ्रंट का हो चाहे अंदर का हो। जो भी ढक्कन लगाएं, जो भी पत्थर लगाएं, आप उसके ऊपर बिल्कुल सेम लेवल पर लगाएं, अप एंड डाउन नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपके यहाँ हमेशा ही नॉर्थ में यदि पानी चलता है तो पैसे आने में, यानी कि दौलत के आने में कमी नहीं रहेगी, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। आप भी अपने यहाँ ड्रेनेज बाहर निकालनी है तो आप नॉर्थ की तरफ से निकालते हुए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से ड्रेनेज को बाहर निकाल सकते हैं, नॉर्थ की दीवार के साथ साथ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। आपने यदि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।